हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। बॉबी देओल अब YRF के स्पाई यूनिवर्स में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। जी हां, बॉबी देओल फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ के सामने खलनायक की भूमिका निभाएंगे और सोर्सेज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2024 के सेकेंड हाफ में शुरू हो सकती है। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट का जोरदार टीजर आउट हो चुका है। वहीं टीजर में लीड एक्टर विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा जैसे सितारों की दमदार स्टार कास्ट देखने को मिली है और डायलॉग टीजर के विजुअल्स को डबल धमाकेदार बना रहे हैं। आपको बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट 3 मई को रिलीज हो रही है। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की शादी की खबर सामने आने के बाद से फैंस दोनों की शादी की फोटोज देखने का वेट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अदिति राव हैदरी ने अपने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ के साथ एक फोटो शेयर की है जो शादी की नहीं बल्कि दोनों के एंगेजमेंट की है। उनके फैंस भी दोनों की सगाई की खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में मानुषी छिल्लर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में मानुषी ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई है जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मानुषी का पोजिंग स्टाइल भी काफी कातिलाना है और उनकी इन फोटोज को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। चमकीला फिल्म के ट्रेलर रिलीज इवेंट पर परिणीति चोपड़ा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। परिणीति ने ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ के साथ परिणीति का भी फिल्म में अहम किरदार देखने को मिलेगा। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर को लेकर निर्माता दिल राजू ने एक बड़ा अपडेट दिया है और खुलासा किया है कि उनकी मूवी आने वाले 5 महीनों में रिलीज होने के लिए तैयार होगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मूवी सितंबर में रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया बंगला बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। सामने आई जानकारी की माने तो रणबीर और आलिया का बंगला उनके नाम नहीं बल्कि उनकी बेटी राहा कपूर के नाम होने वाला है। कृति खरबंदा ने पुलकित से शादी के बाद अपनी चूड़ा सेरेमनी की फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद ही प्यारी लग रही हैं और उनका लुक भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बता दें कि कृति ने चूड़ा सेरेमनी में अपनी मां का दुपट्टा और नानी का हार पहना था। रणबीर कपूर और मां नीतू कपूर को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया था। दरअसल रणबीर इस बार अपनी मां के साथ डिनर डेट पर गए थे और रणबीर और नीतू की कैफे के बाहर से फोटोज अब वायरल हो रही हैं। वहीं इस दौरान दोनों मां बेटे एक साथ कैजुअल लुक में नजर आए हैं। करीब महीने भर बाद अनुष्का शर्मा का पहला फोटो सामने आया है। दरअसल बेटे अकाय के जन्म के बाद से उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट नहीं किया था। इस फोटो में वो एकदम फिट और अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं और इस पोस्ट पर फैंस का भी ताबड़तोड़ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।